हिमाचल पंजाब सीमावर्ती गढ़वाल में कोरोना महामारी के खतरे को बढ़ता देख प्रदेश सरकार ने कुछ नियमों को एक बार फिर बदला है, जिसके चलते अब हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वालों की चेकिंग के दौरान सख्ती की जा रही है। बिना पास अब किसी को आने की इजाजत नहीं है, जिसके चलते गढ़वाल नाके पर लोगों की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। गढ़वाल नाका इंचार्ज ASI दुनीचंद ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पहले हिमाचल में रजिस्ट्रेशन करके आने की अनुमति थी, पर अब उन्हें ये निर्देश मिला है कि अब रजिस्ट्रेशन करके आने को रोक लगा दी है और अब अगर किसी को हिमाचल प्रदेश में आना हो उसे पास बनाना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि अब 10 साल तक के बच्चों और 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सभी को क्वारंटाइन सेंटर में ही रखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवा के लोगों को भेजा जा रहा था, लेकिन पिछले कल से रजिस्ट्रेशन होना बंद हो गई है। अब पास ही जरूरी है, जो उसके पास पास होगा तो उसी को एंट्री दी जा रही है, बिना पास के एंट्री नहीं दी जा रही है। जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उनके लिए क्या हिदायतें हैं सरकार की तरफ से? जो रेड जोन से आए हैं उनको तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटरों में ही भेजा जा रहा है, उन्हें घर भेजने की इजाज़त नहीं है। जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं और जो 65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है उन्हें कोई घर भेजा जा सकता है।